अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन नेट्स। मुझे रिक्वेस्ट आई थी इस प्रोजेक्ट के लिए, इस ट्यूटोरियल के लिए, कि हमें आप हैरी पॉटर थीम स्कार्फ बनाना सिखा दें। तो हम आज हैरी पॉटर थीम स्कार्फ बनाना सीखेंगे जो कि इन दो कलर्स में हैं। बट आप ये इन दो कलर्स की जगह पे कोई भी ले सकते हैं, रिब्ड स्कार्फ इसे आप कह सकते हैं। आप अगर थीम के हिसाब से नहीं बनाना चाहते तो आप प्लेन भी बना सकते हैं, एक ही कलर से भी बना सकते हैं आप। ये जो है मेल फीमेल गर्ल बॉय दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए निटिंग निडल्स चाहिए 5 mm। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ एनी निडल्स, जस्ट फॉलो मेजरमेंट्स। एज आई ऑलवेज से, जैसा हमेशा मैं कहती हूँ कि आप सिर्फ नाप को फॉलो कीजिएगा। आपके पास ऊन और सिलाइयाँ कोई भी हो, आपको मेजरिंग टेप चाहिए ताकि मैं आपको नाप के दिखाऊँगी कि उसकी नाप क्या आ रही है। आपको टेपेस्ट्री निडल चाहिए कि भाई वेविन करने के लिए आपको विविन चाहिए, टेपेस्ट्री निडल चाहिए होगी, कैंची चाहिए और ऊन चाहिए। ऊन का आप एक कलर ले सकते हैं, आप दो कलर ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हम शुरू इस कलर से करेंगे। तो पहले हम ये कलर लेंगे और इसे हम कास्ट ऑन कर लेंगे। कास्ट ऑन के लिए आप कोई भी जो है वो कास्ट ऑन के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एनी मेथड फॉर कास्टिंग ऑन स्टिचेज। यू नो, इफ़ यू वॉन्ट टू use this method or want to learn this method, link given in description for cast on video। अगर आपको ये cast on सीखना है तो link detail में दिया होगा description में, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपने loop बनाना है इस तरह से, loop को needle पे रखना है, धागे को इस तरह पकड़ना है यहाँ से loop को, और उसके बाद आपने simple cast on करते जाना है। loose रखना है, tight नहीं रखना। cast on 44 stitches loosely। चालीस और चार, 44 स्टिचेस कास्ट ऑन फॉर दिस साइज। आप ये वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हैं बड़ी और छोटी साइज के लिए भी। ये जो है वो एडल्ट साइज के लिए है। गर्ल एंड बॉय, मेल एंड फीमेल बोथ के न्यूज दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने बच्चे के लिए बनाना है छोटे के लिए, तो आप उस हिसाब से फंदे डालेंगे थोड़े कम। आपको जब मैं नाप के दिखाऊंगी तो आपको और आसान हो जाएगा कि आपने कितना बढ़ाना और घटाना है। ये रिबिंग स्कार्फ है तो आपने ज़्यादा फंदे डालने होते हैं, क्योंकि वो जब हम रिबिंग बुनते हैं एक सीधा एक उल्टा, तो वो एक सीधा एक उल्टा को रिबिंग कहते हैं, 1x1 रिब। दो सीधे दो उल्टे को भी रिबिंग कहते हैं, 2x2 रिबिंग। ये इंग्लिश में इनकी टर्म्स होती हैं नाम, जो ज़्यादा लोगों को नहीं आते। अब हम इन्हें गिन लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, 44 स्टिचेस यहाँ पे मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं और दो दफ़ा गिन भी लिया है। एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ऑलवेज काउंट स्टिचेस बिफोर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट। 44 स्टिचेस हमने यहाँ पे 40 और 4 कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, रो वन, पहली सिलाई रो वन, ये वाला धागा पीछे कर लेंगे और रो वन पहली सिलाई, निट वन, पर्ल वन, निट वन, पर्ल वन, एक सीधा एक उल्टा करके हम पूरी सिलाई बुन लेंगे। एक सीधा फंदा और एक उल्टा, निट वन पर्ल वन, निट वन पर्ल वन, एक सीधा एक उल्टा फंदा बुनते जाएंगे यहाँ तक। यहाँ पे हमने पहली सिलाई
कंप्लीट कर ली है रो वन, हमने सारे फंदे निट वन पर्ल वन, निट वन पर्ल वन, और यहाँ पे निट वन पर्ल वन, सही है। अब रो टू सेम एज रो वन, पहली सिलाई और दूसरी सिलाई पहली सिलाई की तरह निट वन पर्ल वन, यू विल निट ऑन निट एंड पर्ल ऑन पर्ल। रो टू सेम एज रो वन, निट वन पर्ल वन, निट वन पर्ल वन। निट मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा फंदा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इसको हम वन एंड टू वन रिब कहते हैं। अक्सर स्वेटर के बॉर्डर्स में भी ये इस्तेमाल होती है डिज़ाइन, सही है। तो रो टू सेम एज रो वन, निट वन पर्ल वन, निट वन पर्ल वन, ऑल स्टिचेस। यहाँ पे हमने दूसरी सिलाई भी कंप्लीट कर ली है, एक सीधा एक उल्टा बुन के, एक सीधा एक उल्टा बुन के, निट वन पर्ल वन करके, सही है। अब कीप रिपीटिंग रो वन फॉर 4.5 इंचेस, देन वी विल ज्वाइन एड अदर कलर, कलर बी भी आप कह सकते हैं, या कलर येलो, या वट एवर कलर यू आर यूजिंग। और इफ़ यू आर यूजिंग वन कलर, जस्ट कीप रिपीटिंग रो वन, निट वन पर्ल वन फॉर योर डिजायर्ड लेंथ। अगर आप एक कलर में ये स्कार्फ बुन रहे हैं तो आपने सीधा सीधा बुनते जाना है, जितनी आपको इसकी लेंथ चाहिए बस यही एक सिलाई रिपीट करते जाना है। अगर आपने दूसरा कलर इसमें ऐड करना है, या एक कलर ऐड कर रहे हैं, दो कलर ऐड कर रहे हैं, तीन चार स्ट्राइप डाल रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, आपको फिर मैं ये ज्वाइन करना बता दूंगी। अभी इसके लिए आपने 4.5 इंच तक बुन लेना है, जो भी आपके पास सिलाइयाँ और ऊन है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आप दूसरा कलर कैसे ऐड करेंगे। तो हम अभी ये बुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा बुन लिया है, मैं आपको अभी नाप के दिखाऊंगी कि हमें क्या इसकी जो है वो नाप मिली है, ताकि आप उसको फॉलो करें। आप अपने हिसाब से भी स्ट्राइप्स डाल सकते हैं, छोटी बड़ी बहुत बड़ी, दो कलर में एक कलर में। अब हमने यहाँ पे इसको 4.5 इंचेस तक बुन लिया है, सही है। 4.5 इंचेस तक, 4.5 इंचेस हमने इसको बुन लिया है। अब हम क्या करेंगे, कलर ऐड करेंगे। अगर आप कलर ऐड नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसी कलर में कंटिन्यू करें। इफ़ यू डोंट वांट टू ऐड एनी कलर, यू कैन कंटिन्यू विद द सेम कलर, वन इंटू वन रिब। अगर आप कलर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से करेंगे। इफ़ यू वांट टू ऐड कलर देन ज्वाइन लाइक दिस। हम क्या करेंगे, हमने धागा लिया और इसको, धागे को हमने यहाँ पे बांध लिया। बांधना इज टोटली ऑप्शनल, इफ़ यू वांट आप इसी तरह भी मिला सकते हैं, सही है। इसको ऊपर कर लिया, बाद में आप निकाल भी सकते हैं, वेविन कर लें इसको, ना निकालें वेविन कर लें, बट आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो जो कलर है आपने वो उस पे करना है वेविन। मैं आपको आखिर में एक्सप्लेन करूँगी वो भी। फिलहाल हम आप क्या करेंगे, हम इनको इधर ही छोड़ देंगे। आपने ये धागा काट लेना है यहाँ से, क्योंकि हमने, अच्छा दूसरी ये बात कि अगर आप छोटी स्ट्राइप डाल रहे हैं, जैसे कि आधे इंच की, या एक लाइन उसकी डाली एक उसकी डाली, तो उसके लिए बेशक आप ना काटें, आप वैसे ही ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आप फिनिशिंग चाह रहे हैं, स्कार्फ है ये, मफलर है, तो आप फिनिशिंग चाहिए आपको, तो आपने काटना होगा, क्योंकि फिर आपने फिर साइडों से वो शो होगा।
अभी देखें हम इसको काट दिया है ना हमने, तो अभी मिलाने की जरूरत नहीं है, अब ये शो नहीं होगा आगे। हम बुनेंगे और उसके बाद जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमने मरून कलर को इधर करना है वेव इन, और येलो कलर को येलो पे करेंगे। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं सेम उसी तरह से। अच्छा, मैं आपको इसकी थोड़ी सी विड्थ भी बता दूं ताकि आपको शुरू से अंदाज़ा हो जाए, मैं आखिर में भी बता सकती थी लेकिन मैं आपको, ताकि शुरू से अंदाज़ा हो जाए कि अब हमने बगैर खींचे बिना खींचे आपकी जो है वो 5.1 तक हो रही है इसकी। अक्सर देखा जाए तो ये 1:1 रिबन, अगर आप इसको खींचेंगे तो ये बहुत बड़ा होता है, बट आपने ऐसे नहीं नापना है इसको, आपने इस तरह से इसको करना है क्योंकि आखिर में ये इसी तरह ही हो जाएगा खींच के, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप किस तरह उसको नाप, अगर खींच के नापेंगे तो। रो वन विथ कलर बी सेम एज रो वन, इनको आप पीछे कर लें और ये धागा आप आगे कर लें जिससे बुनाई करेंगे। नेट वन पर्ल वन, एक फंदा सीधा एक उल्टा, एक फंदा सीधा एक उल्टा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सीधे फंदे पे सीधा बुन रहे हैं और उल्टे पे उल्टा, क्योंकि ये सारी सिलाइयाँ उसी तरह ही हैं, रिबिंग है जैसे हम स्वेटर का बॉर्डर बुनते हैं। तो हम एक सीधा एक उल्टा करके ये सारी सिलाई बुन लेंगे। अब यहाँ पे हमने येलो कलर के साथ, यहाँ कलर बी आप बोल लें, एक सिलाई बुन ली है। अब वही वही करना है हमने, रिपीट सेम रो फॉर 4.5 इंचेस, मतलब जितना ये वाला पार्ट बुना मरून के साथ विथ येलो, आल्सो वी विल निट 4.5 इंचेस, देन अगेन वी विल ज्वाइन दिस कलर। कीप चेंजिंग कलर्स आफ्टर 4.5 इंचेस। When every each color reaches to 4.5 inches, then we will change the color. मतलब कि जैसे ये वाला पार्ट, ये कलर 4.5 इंच पहुंचा और उसके बाद फिर हमने कलर रेड किया। अब येलो के साथ आप क्या करेंगे, इसी तरह एक सीधा एक उल्टा करके बुनते जाएंगे। यू विल कीप रिपीटिंग रो वन, निट वन, पर्ल वन, निट वन, पर्ल वन फॉर योर डिजायर्ड लेंथ और फॉर 4.5 इंचेस, इफ यू आर फॉलोइंग मी। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप इसी तरह एक सीधा एक उल्टा करके बुनते रहेंगे जब तक आपको येलो कलर में भी, या जो भी आप कलर यूज़ कर रहे हैं उसमें भी 4.5 इंचेस तक ना मिल जाए। और दूसरी एक बात, आप रोज़ भी गिन सकते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ से रोज़ भी गिन सकते हैं, तो टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको रोज़ इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि जाहिर बात है मैंने आपको मेजरमेंट दिखाई है, आपके पास अगर आप के पास सेम निडल्स नहीं है तो यू विल फॉलो ओनली मेजरमेंट्स। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितनी स्ट्राइप्स ली और टोटल लेंथ कितनी आई है। बट आपने 4.5 इंचेस के बाद बस अब कलर चेंज करते जाना है, उसी तरह कलर चेंज करना है जैसे हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेंथ इसकी कंप्लीट कर ली है बुन के 68.5 इंचेस, 60 और 8.5, 68 इंचेस तक इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है पूरी, जो कि 6 फिट के बंदे तक, एडल्ट साइज तक है ये, सही है। उसके अलावा अगर आप छोटे बच्चे या बड़े या किसी भी एज के बच्चे के लिए या बड़े के लिए बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से साइज रखेंगे। अभी लेंथ पूरी कर लेने के बाद, आफ्टर निटिंग 68.5 इंचेस, निट एंड बाइंड ऑफ ऑल, हम राइट साइड से, फ्रॉम राइट साइड, ये देखिए यहाँ पे ज्वाइन किए थे हमने, जस्ट सिंपल निट एंड बाइंड ऑफ,
सीधा बुन के इसको बंद करते जाएंगे सारे फंदों को। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल जो ये पीसेस हमने बनाए हैं, मैंने आपको बताया था कि 4.5-4 इंचेस के हैं ये, बट अगर आप एक कलर में बना रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 68.5 इंचेस तक बुन लिया है, अब आप वाइंड ऑफ करते जाएंगे। 68.5 इंचेस इसलिए क्योंकि इस पे अभी टसल्स भी डलेंगे तो वो थोड़ी और बड़ी साइज़ हो जाती है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम ये बुन लेते हैं, बाइंड ऑफ कर लेते हैं, निट एंड बाइंड ऑफ आफ्टर निटिंग 16.5 इंच, 68.5 इंचेस। यहाँ पे मैंने सारे स्टिचेस बंद कर दिए हैं, सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है। अब हम धागा सिक्योर कर लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा धागा हो तो आप काट लीजिएगा, उतना काटना है जितना आप ने वेविन करना हो, ठीक है, जितना वेविन के लिए हो जाए। ये यहाँ पे हम फ्रिंजेस डालेंगे, टसल्स डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। वो मैं आपको बाद में बना के दिखाऊंगी कि हाउ टू पुट फ्रिंजेस ऑन स्कार्फ। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि हाउ टू वेव इन ऑन रिबिंग नीटली। अब यहाँ पे मैंने पहले ही करी हुई है, आपको पता है कि हमने यहाँ पे ज्वाइन किए हुए थे, तो मैंने यहाँ पे पहले ही बाकी सारी जो है वेव इन कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये वाली जो है, मैं आपको दिखाने के लिए मैंने आप यहाँ पे छोड़ा था कि आपको दिखाऊँ कि किस तरह वेव इन करते हैं। वेव इन जो होता है वो रिबिंग पे डिफरेंट टाइप का होता है। मैं कोशिश करके एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि रिबिंग पे वेव इन कैसे होती है, बट अभी भी मैं आपको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि रिबिंग पे वेव इन कैसे होता है कि डिसअपियर हो जाए आपको। ये देखिए यहाँ पे मैंने वेव इन किया हुआ है, ठीक है, तो हम ये यहाँ पे रॉन्ग साइड पे कर रहे हैं। वैसे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप राइट साइड पे कर रहे हैं रॉन्ग साइड पे, क्योंकि रिबिंग पे वेव इन इस तरह हो जाता है, फिर शो नहीं होता। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने करे हुए हैं। बस एक बात का ख्याल रखना है आपने, अगर आप एक कलर में स्काफ बुन रहे हैं तो आपने, ठीक है, कहीं पे भी आप कर सकते हैं वेव इन, बट अगर आप दो कलर में बुन रहे हैं तो आपने येलो को यहाँ पे वेव इन करना है एंड इसको मरून को इधर, क्योंकि जो कलर जैसा होगा आप कोई और भी चूज़ कर सकते हैं, जाहिर ज़रूरी नहीं है येलो और एक किया हो आपने, तो आप जो कलर जो होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिंक है तो पिंक पे पिंक करना पड़ेगा आपको, मतलब सेम कलर पे वेव इन करना। यू हैव टू वेव इन इन्स ऑन सेम कलर। इफ इफ दिस इज़ अ येलो थ्रेड यू हैव टू वेव इन ऑन येलो, इफ दिस इज़ अ मरून यू हैव टू वेव इन ऑन मरून साइड। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा पहले हम ये वाला करते हैं, मरून को करते हैं वेव इन। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो नेट स्टिचेस हैं, सही है, ये वाले सीधे सीधे ये वाले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस धागे को इस साइड पे लेकर आएंगे। मैं थोड़ा सा इसको बीच में लेके जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। मरून की साइड लेके जाएंगे इसको, ठीक है, येलो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, आप बस सब्र के साथ थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, ये वाला आप देख रहे हैं, ये जो चेन जा रही है निट स्टिच की,
हम उस पे करेंगे इसे वेविन, किस तरह से करेंगे, ये हम धागा इस तरफ लेकर आए और आप निडल इस तरफ से डालनी है और उसको यूं राउंड करते जाना है, इसको घुमाते, और जो ये वी शेप बने हुए हैं उसकी एक लेग जो है वहाँ से, हर हर फंदे की ये वी शेप है ना, तो ये वाली लेग लाइन से जा रहा है। आप जब खुद बुनाए बुनेंगे तो आपको और आसानी होगी, आपको निडल ही आप जब घुमाएंगे तो आपको फील हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में जाना है प्रॉपरली। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप जितना भी आगे जाना चाहें आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह से डाला आपने और फिर इसको आहिस्ता से खींचेंगे, ज़्यादा आपने इसको टाइटली नहीं खींचना क्योंकि ये यहाँ से खींच जाएगा, सही है? डोंट पुल इट टू टाइट, सही है? अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो यहाँ तक चले जाएं, आप चाहें तो यहाँ से रिटर्न करें। मैं थोड़ा सा और कर लेती हूँ। अब ये वाली बात एक और देखिएगा कि अगर आप निडल इस तरफ से डालेंगे तो ये घूमती आसानी से नहीं है, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने किस तरफ से निडल घुमानी है, आपने किस तरफ से निडल घुमानी है। फिर आप देखिए यहाँ से हम निडल डाल रहे हैं तो ये देखिए आसानी से इधर घूम रही है ना, ये देखिए इस तरह से हम रिबिंग पे वेविन करते हैं। रिबिंग मतलब एक सीधा एक उल्टा या दो सीधे दो उल्टे, इसको हम रिबिंग बोलते हैं। ये मैंने यहाँ तक इसको कर लिया, अब धागा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, अब वापस आएंगे रिटर्न, ये यहाँ पे है, हम क्या करेंगे इस तरफ जाएंगे, अब इस तरफ से डाला निडल को और इस तरफ से घुमाते आए, ये देखें इस तरफ यूं करके इस तरह, ये रिबिंग पे वेविन होता है, बहुत नीटली होता है, ये डिसअपीयर हो जाता है धागा के, मतलब अगर आप ऐसे ही नॉट लगा दें तो बहुत बुरा लगता है। इसीलिए बुनाई में टेक्निक्स होती हैं, जैसे स्टॉकिंग स्टिच पे वेविन करा आपने, गार्टर स्टिच पे वेविन करा, मैंने ये डिटेल में सिखाई भी हुई है स्टॉकनेट और गार्टर स्टिच पे कि किस तरह से वेविन करते हैं। इसको खींचेंगे पर ज़्यादा टाइट नहीं, डोंट पुल इट टू टाइट। अब इसको थोड़ा सा शेप दे देगी, अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे डिसअपीयर हो गया है, हमने यहाँ पे वेविन किया हुआ है। अब धागे को हम लेंगे इधर से काट, क्योंकि ये भी सवाल आता है कि आप वेविन करने के बाद अब क्या करना है। अब धागा आप काट लेंगे, मैं आपको थोड़ा सा येलो पे भी बता दूं ताकि फिर आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो वो ख़त्म हो जाए। अब हम क्या करेंगे, ये धागा भी अंदर की तरफ लेकर जाएंगे, आप यहाँ से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको जस्ट क्लियरली दिखाना चाह रही थी, लेट्स डू इट फ्रॉम हेयर। आपने निडल को इस तरफ से डाला और मैं आपको अभी फिर से बता रही हूँ कि अगर आप निडल इस तरफ से डालेंगे तो वो देखें घूमता ही नहीं है, ये देखें निडल को घुमाने में प्रॉब्लम होती है, तो ये जो यूं शेप जा रहा है ये वाला, आपने बैक साइड से आना है, और ये देखें अभी आराम से घूम रहा है निडल बहुत आसानी से, ये आप एक दो दफ़ा करेंगे तो आपको पता चल जाता है। और अगर आप यही हैरी पॉटर वाला ये जो बनाना चाह रहे हैं स्कार्फ, तो उसके लिए तो आपको यही दो कलर यूज़ करने पड़ेंगे, बट आप ऐसा कोई रूल नहीं है, आप अपना भी कोई कलर पसंद का कर सकते हैं, आपके पास कोई ऊन अवेलेबल हो, आपको किसी को गिफ्ट करना हो, उसकी चॉइस के कलर्स आपको चाहिए, आप कर सकते हैं कोई भी यूज़। अब आराम से खींचना है इसको, ज़्यादा टाइटली पुल नहीं करना, डोंट पुल टू टाइट, सही है? ये देखें बिल्कुल अंदर इसमें डिसअपीयर हो गया है। अब धागे को एक और दफ़ा इसके रिटर्न में घुमा लेते हैं ताकि सही से वेविन हो जाए। ओके, बैक
बैक साइड पे ये देखें, यूं जो जा रहा है सही है। हम इस तरफ से आए और अब फिर दूसरी लाइन से वापस जा रहे हैं। इतना क्लियर मैंने कोशिश की है समझाने की, फिर भी अगर आपको ना समझ आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन। मैं कोशिश करूँगी कि 2-3 मिनट की एक वीडियो बना लूँ जिसमें सिर्फ मैं रिबिंग पे वेव इन एक्सप्लेन करूँ कि कैसे करते हैं। डोंट पुल टू टाइट, आपने टाइटली इसको नहीं पुल करना, आपने इसको शेप देना है हाथ से। अब आप चाहें तो यहाँ तक ले आएँ, चाहें तो आप इसको काट दें बीच में, ठीक है। ये जो धागा है इसको भी हम उसी तरह वेविन कर लेंगे। आप चाहें तो इसको अभी वेविन कर लें, चाहे तो यहाँ पे टसल डालने के, फ्रिंजेस डालने के बाद कर लें। मैंने यहाँ पे एक साइड पे डाली हुई है, ये देखें, इसे फ्रिंजेस बोलते हैं, आप टसल बोल लें, पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं आपको अभी बताऊंगी कि ये किस तरह से आप इस पे डाल सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे दो कलर की डाली हैं, एक मरून डाली, फिर येलो डाली, फिर मरून डाली, फिर येलो। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर की यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से राइट साइड से हमने इस पे डालनी है फ्रिंज। हम क्या करेंगे, आपके पास अगर कोई, एक और बात, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जो है वो बड़ी फ्रिंज यूज़ करना चाह रहे हैं, कितना बड़ा टसल आप डालना चाह रहे हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे 5 इंच तक का टसल डालना है, फ्रिंज डालनी है, तो मैं क्या करूँगी, 5.5 इंचेस, 5.5 इंचेस तक इसको नापूंगी, क्योंकि फिर हम जब ट्रिमिंग करते हैं तो उसमें भी जाता है। 5.5 इंचेस तक हमने इसको नाप लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे, अगर आप चाहें तो इसको यूं करके इस तरह से घुमाते जाएंगे तब भी आप बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने एक पीस न्यूज़पेपर लिया है और न्यूज़पेपर को मैंने फोल्ड कर लिया है 4.5 इंच के हिसाब से। हम इसको नाप लेते हैं, 5.5 इंच के हिसाब से हम नाप लेते हैं इसको, 5.5 इंच। अगर आप सीडी यूज़ करना चाह रहे हैं या कोई और आपके पास पीस पड़ा हुआ है ऐसे पेपर का, या कॉपी है आपके पास, जितनी आपको लेंथ चाहिए इसकी, फ्रिंचेस की, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। यू विल फॉलो योर मेजरमेंट्स। इफ़ यू वांट 5 इंच और 4 इंच और 2 इंच फ्रिंच, इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। आई वॉन्ट 5.5 इंचेस, सो आई जस्ट फोल्ड दिस न्यूज़ पेपर फॉर अ 5.5 इंचेस। नाउ यू कैन जस्ट पुट दिस हेयर एंड स्टार्ट रेपिंग अराउंड। हमने कितनी दफ़ा रेप करना है, 8 टाइम्स, टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 दफ़ा यहाँ पे हमने इसको रैप किया। अब देखेंगे हमारे पास धागे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 धागे एक तरफ से, फिर मतलब 8 राउंड घुमाए हमने, 6, 8 हेयर, 8 हेयर। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे इसको पकड़ लेंगे और सीधा कर लेंगे, ये वाला धागा हम काट लेंगे। मैंने 5.5 इंचेस इसलिए इसको किया है क्योंकि 1/2 इंच जो है वो ट्रिमिंग में चला जाता है। इस तरह से इसको कर लेने के बाद हम अब
इसको हम इस तरह पकड़ लेंगे और आपने लेना है क्रोशिया हुक, मोटी साइज़ का लेना है, बड़ा वाला, ताकि इतने सारे धागे इसके बीच में आ सकें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप 8 टाइम जो है इस पर घुमाएं, आप चाहें तो थोड़े धागे भी ले सकते हैं। यहाँ पे 16 थ्रेड्स हैं, स्ट्रैंड्स हैं, 16, मतलब 8 दफ़ा हमने घुमाया तो हमारे पास 16 आ गए टोटल। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि कितना आपको चाहिए। मैं अभी इसलिए नहीं काट रही क्योंकि यहाँ पे हम जब इसको डाल लेंगे तो फिर बराबर करके काटेंगे, क्योंकि वरना ऊपर नीचे भी हो जाता है। बिगनर के लिए ये टिप आसान होगी। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये राइट साइड है, सॉरी वेविन कर लिया है ना तो इसीलिए। अच्छा, ये राइट साइड है, यहाँ पे हम पहले इसको यहाँ पे डाल लेते हैं, यहाँ पे ये पहला वाला स्टिच छोड़ के, ये लाइन छोड़ के, और इसके ये जो बीच में पर्ल स्टिच है वहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो धागे हैं ये इसके ऊपर रख लेंगे और इसको हम इसके बीच में से निकाल लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि सारे धागे निकलें, थोड़ा सा इसको ऊपर खींचेंगे, पुल इट अप लिटिल बिट, देन पुट टू फिंगर्स लाइक दिस, आपने उंगलियां इस तरह डालनी है और इसको थोड़ा सा और नीचे खींच लें, ठीक है। अब ये जो धागे हैं आपने यहाँ से इस तरह से निकालने और इसको आपने खींच लेना है, ठीक है, इस तरह करके। आप चाहें तो इसको इस तरह से एक एक करके भी खींच सकते हैं, ये इस तरह से, ये फिर इवन हो जाता है। अगर आपको लगे कि कोई धागा यहाँ से ऊपर हुआ हुआ है तो आप इसको एक एक करके खींच सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे और इसको काट देंगे, सॉरी। अब आपने देखा कि हमने इसको काट लिया, कोई रहता होगा अगर फॉर एग्जांपल धागा, तो हम उसको भी यूं सीधा करके काट लेंगे। अब फिलहाल हम सारे टसल्स डाल लेंगे और सारे टसल्स डालने के बाद, आफ्टर मेकिंग पुटिंग ऑल फ्रिंजेस, देन वी विल पुट दीज बोथ साइड्स टुगेदर एंड ट्रिम देम इक्वली, देन आवर स्कार्फ विल बी रेडी। होप आपको ये स्कार्फ अच्छा लगा हो। फ्रिंजेस आप डाल लीजिएगा बाद में इसी तरह से, और ये बस ख्याल रखिएगा कि बीच में जो गैप हो वो हो दो दो लाइनों का। फॉर एग्जांपल इधर हमने डाला, ठीक है, अब ये दो छोड़ के फिर यहाँ पे, फिर ये दो छोड़ के फिर यहाँ पे, फिर ये दो छोड़ के फिर यहाँ पे, या काउंट कर लीजिएगा कि आपकी जितनी विड्थ हो या आपके जितने स्टिचेस हो तो आपने कितनी फ्रिंजेस डालनी है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू पुट सेम अमाउंट ऑफ फ्रिंजेस ओवर हियर, यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द फ्रिंजेस, आप बढ़ा और कम भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फ्रिंजेस हैं, यू डोंट हैव टू पुट 11, इफ़ यू वांट टू पुट यू कैन पुट, बट इफ़ यू डोंट वांट टू यू कैन जस्ट पुट 10 9, इट टोटली डिपेंड ऑन यू, एंड देन यू विल कीप द इक्वल गैप बिटवीन ऑल द फ्रिंजेस। बराबर का फिर गैप रखना होगा आपने बीच में, सारी फ्रिंजेस के बीच में, जितने भी आप टसल बोल लें बस इनको फ्रिंजेस बोलते हैं। आप एक इधर डाला, आपने इधर डाला, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 मरून में हैं, 5 जो हैं वो येलो में हैं। आप इसको कम या बढ़ा भी सकते हैं, आप इधर इधर लगा लें, आपके पास अगर ऊन कम है तो आप थोड़ी डाल लें, टोटली डिपेंड ऑन यू, थिकनेस एंड द नंबर ऑफ फ्रिंजेस यू वांट टू पुट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू।
होप यू लाइक दिस स्कार्फ। आप कमेंट कीजिएगा नीचे, अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वो भी पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।